हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी आपके लिए मिठाई। आप मिठाई, केक, जो भी समझ लीजिए, केक ही एक तौर से, वो भी रस भरी। मैं माला महेश्वरी, गायत्री किचन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बनाते हैं। मैंने फ्राई पैन में 2 कप पहले दूध डाला है, रबड़ी तैयार कर लेते हैं। तो इसमें 1 पिंच मैंने फूड कलर येलो डाला है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब थोड़ा चला के इसमें मैंने 1/3 कप शुगर डाला है, चीनी। देखिए, ये मैंने तेज आंच पे ही इसे थोड़ा सा पका लिया है। थोड़ा गाढ़ा होते जा रहा है रबड़ी की तरफ, तो ये पूरी तरीके से गाढ़ा हो गया है। ये दिखाती हूँ मैं आपको। तो 1 चम्मच मैंने इसमें इलायची पाउडर डाला है, और ये 1.5 चम्मच किशमिश और अंजीर है, मैंने बारीक बारीक काट लिया है। इसे अच्छे से मिला लेते हैं। तो चलिए केक की तैयारी कर लेते हैं। तो 1 बाउल में मैंने 1/3 कप दही लिया है और 1/3 कप चीनी, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरीके से। आप चीनी पाउडर भी ले सकते हैं। अब इसमें मैंने ये 1 कप मैदा लिया है, मैदे को अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरीके से। बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा ना, आपको गुलाब जामुन की भी स्वाद लगेगी, क्योंकि इसमें मैंने रबड़ी तैयार की है। तो इस तरीके से मिक्स करके मैंने इसमें 1/4 कप तेल डाला है। अब तेल को भी अच्छे से मिक्स करके थोड़ा थोड़ा इस तरीके से, इस देखिए, अगर आपको थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो इसमें आप 2 चम्मच दूध डाल सकते हैं। तो ये देखिए बैटर तैयार हो गया है। तो इसमें 1 चम्मच मैंने इलायची पाउडर, 1 चम्मच बेकिंग सोडा और 1/2 चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, और ये थोड़े से मैंने किशमिश और 2 अंजीर बारीक काट लिया था, इसमें थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, जिससे ये केक का स्वाद और बढ़ जाए। और इसे अच्छे से इस तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। तो जो मैंने ये रबड़ी तैयार की थी, 2 चम्मच इसमें ऐड कर रही हूँ, तो इसका स्वाद और ही बढ़ जाएगा, खाने में तो लाजवाब ही लगेगा। तो थोड़ी देर ढक के रख देते हैं। 1 बाउल 4 बाउल मैंने लिया है, इसमें थोड़ा सा घी से अच्छे से ग्रीस कर लिया था, और थोड़ा थोड़ा इस तरीके से कटोरी में ये बैटर तैयार कर लेती हूँ इस तरीके से। तो ये देखिए, मैंने चारों कटोरियों में ये बैटर तैयार कर लिया है। फिर से ऊपर से मैं थोड़ा सा अंजीर किशमिश ऊपर से रख दे रही हूँ, और पिस्ता मैंने थोड़ा सा रख दिया है गार्लिश के लिए। देखने में भी सुंदर, खाने में तो पूछिए मत। एक बार ये रेसिपी आप जरूर बना के बच्चों को खिलाएगा, बच्चे तो खा के खुश ही हो जाएंगे। तो इसी फ्राई पैन में मैंने ये नमक लिया है, ये नमक मैं केक के लिए यूज करती हूँ। तो इसे थोड़ा गर्म होने देते हैं। थोड़ा गर्म हो गया है, तो ऊपर से मैं एक प्लेट रख के ये चारों कटोरियाँ केक की ऊपर रख देती हूँ, 30 से 35 मिनट तक कवर करके रख देती हूँ। 30 से 35 मिनट बाद ये बनके केक आपकी तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से मैं कवर कर लेती हूँ। तो ये देखिए, 30 मिनट बाद मैंने चेक किया है, तो ये पूरी तरीके से बनके तैयार हो गया है केक। ऊपर से मैंने जो ड्राई फ्रूट्स डाला था वो नीचे चला गया, तो चेक किया, ये केक बनके तैयार हो गया है। तो एक थाली में इस तरीके से मैंने चारों कटोरियों को सजा दिया है। आप चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन जब ये रबड़ी ऊपर से डालेंगे ना, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तो ये देखिए, ऊपर से मैं रबड़ी डालते जा रही हूँ केक के ऊपर इस तरीके से। बस आप एक कटोरी उठाइए और 1 चम्मच मुंह में डालिए, इसका लाजवाब देखिए, इसका लुक कितना सुंदर लग रहा है, खाने में तो पूछिए ही मत, बहुत ही टेस्टी बना। आप एक बार इस तरीके से ये रेसिपी आप जरूर बनाइए, खाते खाते मन करेगा सारी कटोरियाँ खा जाऊँ, चट कर दूँ। तो मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब।